था We'd like to invite on stage Mr. Bappi Reddy, who's been absolutely wonderful in hosting us today. दादा बोलते आओ तो आना पड़ता है क्योंकि हम लोग सोचते कभी तो दादा अपना गोल्ड देंगे हम लोग कॉलिंग मी एंड आई विश द मूवी ऑल द बेस्ट मंजू जी एंड मुकेश पार्थोदा ऑफ कोर्स एंड दीपक जी सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड म्यूजिक तो इसका 100% सुपर हिट होगा बिकॉज दादा का हर म्यूजिक सुपर हिट होता है सो अब मैं आप यू आर लकी हैंड मेरे ऊपर मत डालो दादा यू आर लकी हैंड एंड आई नो फराजी जहाँ आते हैं म्यूजिक सुपर हिट हो जाते हैं चाहे अपना खुद का पिक्चर हो जहाँ भी और मैं इसलिए उन लोगों को सजेस्ट किया कि मैं खुद फराजी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फॉर द पोस्टर एंड थैंक यू वेरी मच आपने हमारा बात रखा आपने आए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत अच्छा थैंक यू दादा के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि दादा की वजह से आज फराह मैम हमारे इस फंक्शन में आई हैं और दादा ने मुझसे कहा था कि फराह मैम इतने लकी हैं कि आपकी फिल्म का म्यूजिक कहाँ पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो तो मुझे तो एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद ही आनी बंद हो गई और मैंने दादा को कहा प्लीज प्लीज दादा आप बुलाइए सो आई एम रियली थैंकफुल टू मच फराह मैम के स्पेशल टाइम निकाल कर आए और मैं एक बात कहना चाहता हूँ पार्थो घोष This is my third film together and first picture was super duper hit music Dalal to Kashmira Mithun Chakravarti chal gaya upar hai gutur gutur song super hit uske baad geet aaya tha Dibba Bharati wo bhi bahut bada hit tha gana aur abhi main chahta hu bas Parthoda aapka sath phir se third picture aaya ye picture bhi aap log ko और एक थैंक यू देंगे मेरा माय सन पप्पा लहरी इज इन अमेरिका आते रहते हैं ये पिक्चर का टोटल ऑर्केस्ट्रेशन टोटल काम पप्पा ने किया एंड आई नो दिस सॉन्ग विल बी द सुपर हिट ऑल द सॉन्ग्स पार्टी दम दमा दम वो भी गाना एक है चमादर आपको मैं भेजूंगा गाना एनीवे पप्पा थैंक यू अगेन वर्किंग टुगेदर और मुकेश जी हमारा पहले हीरो है जो गर्मी में भी ट्रेंच कोट पहन के आए इतना गर्मी में थैंक यू सो मच पराजी मैं दादा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ
जैसे मंजू ने कहा कि दादा की वजह से फराह जी आ गई हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि फराह जी आ रही हैं और मेरी पोस्टर लॉन्च में फराह जी आई हैं, तो दादा ने कल भी यही बोला कि फराह जी आ जाती है ना तो आपकी पिक्चर तो हिट है ही। देखो मेरे ऊपर सब डाल रहे हैं क्योंकि दादा ने जो म्यूजिक बनाया है ना बहुत अच्छा म्यूजिक है और बहुत जल्द जो है फराह जी को मैं चाहता हूँ कि ये म्यूजिक सुनने को मिलेगा और म्यूजिक बहुत जल्द लॉन्च भी होने वाला है क्योंकि आज तो सिर्फ पोस्टर लॉन्च है वो भी हमारे फराह जी के हाथों से लॉन्च हुआ है। तो थैंक यू सो मच फराह जी, थैंक यू सो मच, यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज सपोर्ट द मूवी। बप्पीदा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे उनके घर आना है, तो जब बप्पीदा बुलाते हैं हम कोई सवाल पूछते नहीं है, सीधा आ जाते हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये पिक्चर है दो पल प्यार के, उसका पोस्टर लॉन्च है जो जिसका म्यूज़िक बप्पीदा ने दिया है एंड वी आर ऑलवेज सिंस चाइल्डहुड बीन बप्पीदास फैंस, सो आई विश द मूवी ऑल द बेस्ट। न्यू कपल है आई थिंक इस पिक्चर में और मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चले इस पिक्चर का, सो दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट कम टू लॉन्च द पोस्टर एंड गिव ऑल माय गुड विशेस टू एवरीबॉडी। बप्पीदा ने बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं जो मतलब आइकॉनिक है। हाँ, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा उनका? अगर मेरे तो बप्पीदा के बहुत सारे, बहुत ज़्यादा सारे गाने उनके बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक उनके फर्स्ट पिक्चर से लेकर मतलब स्पेशली वो सारे रंबा हो संबा हो एंड ऑल दोज डिस्को स्टेशन ऑल द डांस नंबर्स दैट इज़ गिवन वो अभी तक पॉपुलर हैं और अभी भी उनके तमा तमा अभी भी उसके रीमिक्स बनते हैं और लोग वही गानों पे डांस कर रहे हैं अभी भी। सो बप्पीदा ऑलवेज बीन अ ट्रेंड सेटर, वो पहले वो गोल्ड पहनते थे, अभी सब सारे रैप आर्टिस्ट बप्पीदा का कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे हैं। So he's always been ahead of time and his music, not only dance music, unke jo love songs bhi hai, wo bhi, wo to bahut hi zyada achhe hote hain. तो इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आई एम अभी म्यूजिक निकला नहीं है, दादा मुझे भेजेंगे म्यूजिक और मैं ज़रूर सुनूंगी एंड आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेरी वेल। किस तरह फ्यूचर देखते आप इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री का? नहीं, ये तो हर देखो हर साल कोई ना कोई हर सालों से अभी न्यू कमर आ ही रहे हैं तो अच्छी बात है आई थिंक, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं, अगर पिक्चर बनानी है तो किसी के पास डेट्स नहीं है, तो न्यू कमर्स तो इज़ ऑलवेज वेलकम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कंट्री में नहीं होंगी जब वो रिलीज़ होंगी, तो मैं परसों बच्चों के साथ निकल जाऊँगी हॉलीडेज़ पे, तो जहाँ भी होंगी आई होप आई कैन सी देम, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच बोथ द मूवीज। ये फिल्में रिलीज नहीं हुई लेकिन रिलीज से पहले ही काफ़ी कॉम्पिटिशन यानी काफ़ी बातें की जा रही है कौन सी फिल्म कितना बिजनेस। अरे यार ये अभी क्या हो गया, मेरा ड्राइवर भी डिस्कस कर रहा है कि कितने 100 करोड़ है, 200 करोड़ करेगी कि नहीं, तो ये इज बिकम वेरी नॉर्मल टॉपिक। आई थिंक पीपल शुड डिस्कस द मेरिट ऑफ द मूवी रादर देन डिसाइड कितने पैसे कमाएगी, वो पैसे हमको तो मिलने वाले नहीं है, तो उसका टॉपिक डिस्कस करके क्या फ़ायदा। मैं आई हैव डन 33 फिल्म्स इन वन ईयर, माय रिकॉर्ड इन लिम्का गिनीज बुक, सो मैनी रिकॉर्ड्स एंड आई हैव डन 600 फिल्म्स, 600 पिक्चर किया, लेकिन आजकल मैं बहुत सिलेक्टेड पिक्चर करता हूँ, 3 पिक्चर्स इन वन ईयर। दो पल प्यार के जो गाना हुआ, ये गाना है सुपर हिट सॉन्ग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 46 ईयर्स हो गया मेरा जो तजुर्बा है, इतना अच्छा म्यूजिक को भगवान ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर अल्लाह ने आशीर्वाद दिया, जो इतना एक सिंगिंग लाइक मैं भी गाया शान भी गाया, लेकिन एक गाना मेरा बच्चा ही बोलूँगा लिटिल चैम्प्स में अरमान मलिक, यस सर,
मैं जस्ट था, मैं उस दिन प्रेडिक्शन किया था यू विल बी वेरी बिग सिंगर इन बॉलीवुड एंड ही सैंग टेरिफिक, जो दो पल प्यार की जो अपने लास्ट सॉन्ग सुन रहे हैं सैड। एंड ये पिक्चर में पार्थ घोष डायरेक्टर, ऑलवेज वी आर लकी, मैंने अभी बोला थ्री, दिस इज थर्ड पिक्चर, वी हैव डन सो मेनी हिट्स दलाल गीत एंड दिस पिक्चर प्लस माई सन बप्पा लहरी, ही हैज़ डन रिमार्केबल जॉब, ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रोग्रामिंग इज आउटस्टैंडिंग, बप्पा डन बहुत मेहनत किया, जो गाना लिखा है दीपक्स ने वो भी बहुत अच्छा गाना लिखा, और थैंक्स टू मंजू भारती, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल प्रोडक्शन हाउस। आज आप लोग सब लोग दुआ कीजिए ये पिक्चर का बहुत अच्छा होना चाहिए, बस गाना आप लोग को तो बहुत ही पसंद आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप लोग बहुत सचमुच आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोग याद करेंगे, क्योंकि मेरा देखिए 2017 में इतना सारा पिक्चर आया, बद्रीनाथ की दुल्हनी आया, डैडी आया, नाम शबन आया, सब में एक एक गाना था, उससे पहले तो गुंडे, डर्टी पिक्चर्स, गुरु, गोलमाल अगेन, बट क्या है ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर में एक मैंने बहुत पता नहीं क्या हुआ था दिल से बनाया दो पल प्यार के, और सिचुएशन भी बहुत सुंदर था, और हमारा जो हीरो है मुकेश तो वंडरफुल काम किया, मैंने देखा गाना बहुत ही अच्छा काम किया, बस आप लोग दुआ दीजिए, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन है, दो पल प्यार के, दो पल प्यार के, दो पल प्यार के। मेरा किरदार बहुत अजीब और ऐसा किरदार है मेरा जो डायरेक्टर पार्थ घोष ने जो बनाया है, आपने सभी ने देखा होगा कुछ लोग जो है इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं, और मेरी फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर इंडिया बाहर से इंडिया पढ़ने आता है पेरिस से, तो फिल्म के अंदर मैं पेरिस से इंडिया पढ़ने आता हूँ, ये मेरा किरदार है। डेफिनेटली हर फिल्म ही चैलेंजिंग होती है, और बट आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत अच्छी टीम थी, और फिल्म हमारी कम्प्लीटली म्यूजिकल फिल्म है, फिल्म के अंदर बहुत अच्छा म्यूजिक पिरोया है बप्पी दा ने और डायरेक्ट पार्थो दा ने किए, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की, पहाड़ी क्षेत्रों में हमने फिल्म की शूट कम्प्लीट की, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर रहे, बट अच्छी टीम होने की वजह से वो सारे चैलेंजेस हमने फेस करके और फिल्म को सक्सेसफुली कम्प्लीट किया। जस्ट थैंक यू के फराह जी के यहाँ पर आए, तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस तो है ही, बट आज सच फराह जी के आने से मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि दादा ने भी ये कहा था कि भाई फराह जी जो फिल्म के अंदर आएंगे पोस्टर लॉन्च में तो आपकी पिक्चर जो है बहुत हिट हो जाएगी, पर मैंने दादा से कहा कि आ जाएंगे तो एक फराह जी ने जिस तरीके से एक शुभकामना जो दी है तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि फराह जी आई और मुझे जो है एक कॉन्फिडेंस देके गई है कि आगे भी है अच्छा काम आप करते हैं। देखिए पार्थो घोष डायरेक्टर जो है आपने सभी ने देखा होगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे 100 डेज, अग्नि साक्षी, और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ काम किया है, और शूट पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जिस तरीके से वो सीन को पिक्चराइज करते हैं और बाखूबी से जो है फिल्म बनाई है उन्होंने, तो वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म जो है रिलीज़ हो और आप लोगों को देखने को मिले, और अब आप लोगों के ऊपर है कि उसको किस तरीके से जो है आप बताते हैं फिल्म को, क्योंकि मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी है और आपको बहुत पसंद। म्यूज़िक तो डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतने वेरिएशंस दिए हैं, अलग रोमांटिक ट्रैक अलग चल रहा है, सूफी गाना भी है, पार्टी नंबर जो दादा का स्पेशल बोल सकते हैं हम लोग, वो दादा की चीज़ पार्टी नंबर बहुत
सुपर डुपर है जो मतलब किसी को भी थिरकने के लिए मजबूर करेगा। और अरमान का गाना तो मुझे लगता है कि जैसे एक फिल्म आई थी ना आशिकी 2, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बफीदा ने जो कंपोज किया है, अरमान ने जो यहाँ सिंगिंग की है इस गाने में, बहुत अच्छा गाना है, लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। डेफिनेटली आज हम लोगों ने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है, तो बहुत ही जल्द हम लोग ट्रेलर लॉन्च की तैयारी में हैं और ट्रेलर लॉन्च पे ही आप सबको डेट अनाउंसमेंट पता चल जाएगी। बट हाँ, बहुत जल्द, मतलब हमारा जो फिल्म का जो टाइटल है मौसम इकरार के दोपल प्यार के, तो ये मौसम जो है वो प्यार वाला मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इसी मौसम में ही आप इस फिल्म को देख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज कई फिल्मों के ट्रेलर और कई लॉन्च हुए हैं, जैसे आमिर खान साहब का भी आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और कमल हसन साहब का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ है। सबसे ज़्यादा मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि आप हमारे दो पल प्यार के जो पोस्टर पर लॉन्च पे आए। मुझे तो लगता था कि पता नहीं शायद इतना गया मीडिया आएगी नहीं, पर आप लोग आए यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए आए और इस पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा आप लोगों से। बस ये पोस्टर आप लोगों को कैसा लगा पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।